इंसान का बच्चा जो है वो अल्लाह ताला ने इतना कमजोर बनाया कि हर हाल पे उसको माँ की जरूरत होती है। यानी बहुत बूढ़ा भी हो जाए ना वो, और माँ बहुत बूढ़ी हो, तब भी वो माँ के पीछे फिरता रहता है। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। मैं उस ज़माने में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो मुझे कॉल आई कि AVH में एक खातून दाखिल हैं, उन्हें आके मैं देख जाऊँ। मैं खैर देखने गई उन्हें। वो खातून जो थी वो 90 साल की थी और उनका बहुत बड़ा ओवेरियन सिस्ट था, और बाहर लाइन लगा के उनके बच्चे खड़े हुए थे। माँ जब तक जिंदा रहे तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, आप उनको और कुछ नहीं कह सकते सवाए इस माँ के बच्चे के। तो किसी की उम्र जो थी वो 65 थी, किसी की 70 थी, और किसी लगभग की उम्र में सारी लाइन लगा के खड़े हुए। मैं जब मैं पहुँची हूँ तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप हमारी माँ। मैं बाहर निकली तो शी वॉज क्वाइट एडवांस स्टेज, हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे उनके, और मतलब शी वॉज नॉट कॉन्शियस, शी वॉज इन हेपेटोरिन फेलियर ऑल्सो। बाहर निकली तो मैंने कहा जी असल में उनके हालात बहुत ख़राब हैं, और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे, मज़ीद हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी ऑपरेशन भी किया हमने तो ये शायद इनकी टेबल डेथ हो जाए। एकदम सब ने शो मचाना शुरू कर दिया, तो परेशानी हो गई। उनके डॉक्टर साहब इस तरह निकालना करो, थोड़ी मेहरबानी, आप जोड़ जोड़ के कहें, आप पैसों की फिक्र ना करें, आप हमारी माँ को बचा लें, आप किस तरीके से। अच्छा कोई मैं 15-20 मिनट तो उन सबको तसलियाँ तसलियाँ दे बात करने की कोशिश करती हूँ, कुछ 20 मिनट के बाद मैं भी परेशान हो गई कि ये इन्होंने क्या शोर मचा रखा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वालदा की उम्र 90 साल है, आप अपनी उम्रें देखें, इस उम्र में अब आपने इस माँ का क्या करना है बेचारी का, मतलब मैंने पूरी तंग आके पूछ ही डाली। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो मैं वाकई उस बात से दंग रह गई कि माँ एक ऐसी चीज है जो बच्चा कभी चाहता ही नहीं उसकी माँ जाए। उनका डॉक्टर साहब करना तो कुछ नहीं, साड़ी माँ घर बैठी दुआवा तो देती है। और ये बात जब उसने कही तो मैं एकदम उसकी शक्ल की तरफ देख के और 2 मिनट सोचना शुरू किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालदा का इंतकाल हुआ था तो आवाज़ देके अल्लाह ताला ने पीछे से कहा था कि ध्यान रखना अब माँ नहीं रही। यानी माँ एक इतनी इम्पॉर्टेंट हस्ती होती, और